नमस्कार, मैं हूं अश्वनी मंगल और आप सभी का एस्ट्रो तक में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस खास चैनल एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन के रूप में नए नए विषयों की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, नौकरी को प्राप्त करने के लिए हर कोई व्यक्ति ललायित रहता है, कोशिश करता रहता है और उस पर भी यदि सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए तो कह नहीं क्या। तो आज हम जानेंगे सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए कुछ खास उपाय, जो कि राशि अनुसार इन उपायों को यदि हम कर लें तो सरकारी नौकरी जरूर प्राप्त होती है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी जन्मपत्री में आपके ग्रह अनुकूल हैं कि नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी प्राप्त होती है सूर्य की वजह से और सूर्य यदि आपकी जन्मपत्री में अच्छे हैं तो नौकरी जरूर प्राप्त होगी। लेकिन इन खास उपायों को करके आपके सूर्य अच्छे हो जाते हैं और जल्दी ही आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि सरकारी नौकरी को प्राप्त करने में विलंब हो रहा है, यदि आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के पश्चात भी सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे, या आपके सूर्य में कोई प्रॉब्लम है, अर्थात सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, तो इन चीज़ों के बावजूद आप इन खास उपायों को करेंगे तो सरकारी नौकरी जल्द ही प्राप्त होगी। तो जानेंगे आज राशि के अनुसार इन खास उपायों को। शुरू करते हैं राशियों का सिलसिला और शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। यदि मेष राशि है आपकी तो ओम एम हरिम नमः इस मंत्र का जाप आपको करना है। इस मंत्र का जाप जितना अधिक से अधिक करें उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। घर के पूर्व दिशा में लाल पुष्प का पौधा जरूर लगा लें और गरीबों को वस्त्र का दान करें। इस उपाय को करने से लाभ जरूर होगा और जल्दी ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे आप। बात करते हैं वृष राशि की। यदि वृष राशि आपकी, ओम एम क्लीम नमः इस मंत्र का 11 माला जाप करनी है आपको। मकान के पूर्व दिशा में नीले पुष्प का पौधा जरूर लगा लें आप, जिससे कि नौकरी जरूर प्राप्त हो जाए। सरकारी नौकरी प्राप्त करने में जो विलंब आ रहे हैं वो विलंब दूर हो जाए। काले तिल का दान करें या फिर काले कंबल का दान भी आप कर सकते हैं। यदि मिथुन राशि है आपकी तो ओम एम श्रीम नमः का 11 माला जाप करें। गुड़हल का पौधा आप अपने घर में जरूर लगाएं, इससे आपको लाभ होगा। गजक, गुड़ की रेवड़ी बच्चों को दान करें और गरीब रोगियों को औषधि का दान करें। ऐसा करने से विशेष लाभ होगा, सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के मार्ग प्रशस्त होंगे। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। यदि कर्क राशि आपकी तो ओम प्रोम नमः इस मंत्र का जाप आपको करना है। लाल गुलाब का पौधा आप अपने घर में जरूर लगाएं और गरीबों को वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से लाभ होगा, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि का स्वामी स्वयं सूर्यदेव है तो इसलिए सूर्यदेव को प्रसन्न हो उसलिए उनके लिए खास मंत्र है आपके लिए, ओम हरांग नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए, 12 माला जाप कीजिए, इससे सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के मार्ग प्रशस्त होंगे। पीले गेंदे का फूलों का पौधा यदि आप अपने घर में लगा सके तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। हल्दी या मोतीचूर का लड्डू का दान करें आप, मीठे बोल बोलें, जिससे कि बहुत ही जल्दी सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकेंगे आप। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। यदि कन्या राशि है आपकी तो ओम एंग हरांग नमः इस मंत्र का 11 माला जाप आपको करना है। इस जाप को करने से लाभ होगा, रात रानी का पौधा घर के पूर्व दिशा में आप जरूर लगाएं, इससे बहुत जल्दी आपको लाभ होगा, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। गरीबों को यदि वस्त्र का दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और अब बात करते हैं तुला राशि। ओम एम हरिम नमः इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप आप जितना मर्जी कर सकते हैं लेकिन 11 माला यदि जाप करते हैं तो लाभ अधिक होगा। मोगरा का पौधा आप अपने घर में जरूर लगाएं और गरीब व्यक्तियों को आप अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, आपके लिए शुभता बनी रहेगी। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। यदि वृश्चिक राशि आपकी, ओम सौ नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। 21 माला इस मंत्र का जाप करना है आपको। घर के उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हों और सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें आप। गरीबों को अन्न का दान, वस्त्र का दान, औषधि का दान,
जितना अधिक कर सकेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, और साथ ही साथ माता पिता का आदर जरूर करें आप। धनु राशि की बात भी कर लेते हैं, यदि धनु राशि आपकी, तो ओम एम प्रेम नमः इस मंत्र का जाप करना है, 12 माला इस मंत्र का जाप कीजिए, लाभ जरूर होगा। सफेद आक या फिर सफेद फूल का पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं। गेहूं और लाल वस्त्र का दान जरूर कीजिए आप। बात मकर राशि की कर लेते हैं, ओम एम मह नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, 11 माला यदि इस मंत्र का जाप करते हैं आप तो लाभ जरूर होगा। पीले गुलाब या फिर गेंदे का पौधा अपने घर में जरूर लगाएं, इससे भी आपको लाभ होगा। स्नान के बाद गुड़ और वस्त्र का दान करें, जिससे कि सरकारी नौकरी लगने के लिए आ रही मुश्किलें दूर हो जाएं। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की, यदि कुंभ राशि है आपकी तो ओम एम ह्लीम नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, 11 माला इस मंत्र का जाप करना है। श्यामा तुलसी या फिर नीले पुष्प का पौधा आप अपने घर में जरूर लगाएं। अन्न फल औषधि का दान आप जरूर करें। पति पत्नी का आपस में प्रेम जरूर रखें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में परेशानी जरूर होती है, तो इन परेशानियों को दूर करके सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के मार्ग को जरूर खोलें आप। तो बात मीन राशि की कर लेते हैं हम, ओम एम प्राम नमः का 11 माला जाप कीजिए आप, से लाभ जरूर होगा। गल दाऊदी का पौधा आप अपने घर में जरूर लगाएं। घी गुड़ खिचड़ी सफेद तिल का दान जरूर करें, लेकिन वृद्ध लोगों की सेवा आराधना जरूर करें, उनकी सेवा करने से उनके आदर करने से बहुत जल्दी लाभ होता है, सरकारी नौकरी जरूर आप प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।